है गाइस, ये है दूसरा एपिसोड और इसमें मैं सबसे पहला एक घर बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारी लकड़ियाँ चाहिए होंगी और लकड़ियाँ सामने पड़ी हुई हैं, सामने पेड़ों से ही काट ली जाएंगी, जिसके लिए मुझे एक एच चाहिए होगी और मेरे पास कबस्टोन ही नहीं है। कोई बात नहीं, यहीं पर एक माइन बना ली जाए। कबस्टोन का जुगाड़ यहीं से होता है। और मुझे लगता है इतने से तो ये हो गई हमारी एग तैयार। और इसके बाद हम पेड़ काटने चलते हैं। आई थिंक इतनी लकड़ियाँ काफ़ी होनी चाहिए, तो वापस घर चलते हैं और तो इसके बारे में सोचते हैं कि घर कैसा बनना चाहिए। ओ, यहाँ 20 भी हैं। नाइस। ओके, तो यहाँ पर है बी हाई। कोई बात नहीं, फ्यूचर में हमारे काम ही आएगा। सबसे पहले तो रात बिता ली जाए क्योंकि मॉन्स्टर्स आ जाएं। ये हो गए रात के, और इसके बाद हम लोग घर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो घर बनाना स्टार्ट करते हैं और ये घर बनाने वाला हूँ मैं वुडन प्लैंक्स से। सबके वुडन प्लैंक्स निकाल लेते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे घर की बाउंड्री रेडी। अब इसमें गेट और खिड़कियों के लिए जगह बना देता हूँ। ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर
ये अच्छा हो गया। अब यहाँ पर मैं ग्लास पेंस लगाना चाहूँगा ताकि बाहर रात को सब कुछ दिख सके। इसके लिए मुझे सैंड को स्मेल्ट करना पड़ेगा, और सैंड तो यहाँ पर अवेलेबल है ही, तो उसके लिए एक शॉवल बना लेता हूँ। उसके बाद सैंड भी कलेक्ट कर ली जाएगी। तो शॉवल रेडी, सैंड निकाल लेते हैं। और टाइम आ गया है सब कुछ अंदर मूव करने का। ओके, तो ये कहाँ, यहीं पर लगा देता हूँ। बेड बेड यहाँ पर सही रहेगा, और चेस्ट रख देता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ कहाँ रखनी चाहिए, यहाँ पर रख देता हूँ। बाकी स्टोरेज सिस्टम बाद में बनाए जाएंगे, वो दूसरी जगह बनाए बनाऊंगा। यहाँ पर आ जाएगा फर्नेस, तो फर्नेस एक बना ही लेता हूँ। फर्नेस 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 यहाँ पर, नाइस। ओके, तो बस अब ग्लास पेंस बनाने की डेट है। ओके, तो ग्लास पेंस आ गए। अब ऊपर की छत बाकी रह गई। छत के लिए आई गेस स्लैब बेटर होंगे, तो स्लैब बना लेता हूँ। ओके, तो हमारी रूफ पूरी तरह से भर चुकी है। इसके बाद मुझे टॉर्चेस लगाने नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ पर रात को मॉन्स्टर आने लगेंगे। और ये सभी अंदर मूव कर लेता हूँ, बाकी इसको बाद में सॉर्ट करूँगा। सॉर्टिंग एक स्टोरेज सिस्टम अच्छा से बनाऊंगा, उसके बाद सॉर्ट करे जाएंगे। तो अब बारी आई टॉर्च बनाने की, और टॉर्च बनाने के टाइम ही मेरे पास सारी कोल खत्म हो गया। अच्छा, अभी के लिए चार कोल बना लेता हूँ, उसके बाद माइनिंग के लिए चलेंगे।
ओके सो आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए, तो आई एम माइनिंग पर चलते हैं, सो कर यहाँ से सो कर निकलते हैं। ओके तो प्यारी सी सुबह हो चुकी है, अपनी माइंड यहीं पर बना लेता हूँ। तो माइंड तो यहाँ पर बनने से रही, मुझे कोई और जगह देखनी होगी इसके लिए। ये डीप एरिया, यहाँ पर से स्टार्ट करूँगा तो जल्दी नीचे पहुँचूँगा। नाइस, यहाँ पर मुझे भी आयरन मिल रहा है, और ये हो गई हमारे पहले आयरन की जुगाड़। यहाँ से मुझे एक शील्ड मिल जाएगा, और मे भी कुछ आर्मर भी मिल जाएगा। ओके तो और आगे बढ़ता हूँ, और ये गया हमारा पहला पिकैक्स। ओके तो और आगे जाने का कोई फायदा है नहीं, यहीं पर से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ हलो कब सिर्फ, हाँ हमारी पहली केव। ओके तो हमारा पहला माइनिंग सेशन अच्छा गया, इसमें हमें आयरन मिल गया भरपूर।